यहाँ से पीटीआई जीत गई थी, रिजल्ट मैंने दे दिया, वो मुझे कह रहे हैं कि रिजल्ट तब्दील कर दो। भाई ये इलेक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है तमाशा? हमें पता था, हमने इस दफा दबा के तैयारी की और तहरीक इंसाफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की और कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के टाइगर्स खड़े हुए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स भरी, यानी कि कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े हैं। इनको आ गया खौफ। मैं कल हैदराबाद गया था रात को और जो जुनून और जज्बा हैदराबाद में मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा मैं कराची से निकला ही नहीं हूँ। यानी कि वहाँ पे हर जगह पीटीआई थी, ना पतंग थी ना तीर था, पतंग कट गई और तीर टूटे हुए पड़े थे। वहाँ ये हाल था। इनको आ गया खौफ। फिर हमारे सारे जो पीटीआई के स्टालवर्ट, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अली मोहम्मद खान, शरियार आफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद, असद कैसर भाई, ये सारे कराची पहुँचे और आके उन्होंने भी कहा हम आपके साथ कैंपेन करेंगे। ये सारी चीज़ें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें, मुहर्रम। जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है? हाँ, उसके बाद कहते हैं जी बारिश होगी। वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है क्या? सब चीज़ मुलतवी हो जाती है। काम है तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी कि ईद आगे कर देते, क्या बेकार की बातें हैं। लेकिन जो खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खतरनाक बात यह बताना चाहता हूँ, यार खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ या बाहर चले जाओ, क्या कर रहे हो? नीचे करो। बारिश ये सुने जो है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, जो ये बैलेट पेपर्स हैं और जो ये इलेक्शन का सामान है, ये सारा तो आरओस को पहुंचा दिया इन्होंने। अब मुझे बताएं कि उस बैलेट पेपर की सेफ्टी क्या रही जो इस इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टाफ के पास पड़ा हुआ है, सारा मटेरियल वहां पड़ा हुआ है। और हैं कौन ये? ये सिंध हुकूमत के जो लोग हैं लगाए हुए, कोई इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में इधर उधर डीसीज बने, मुख्तियार कार, इनके पास पड़ा हुआ है। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। अब कहते हैं एक महीना इलेक्शन डिले, यानी कि 28 तारीख को करेंगे अगस्त की। क्यों इलेक्शन डिले किया जब इतनी सारी तैयारी हो गई थी और आपने बैलेट पेपर्स भी डिलीवर कर दिए और बाकी सारा इलेक्शन का सामान भी डिले कर दिया? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसिफ जरदारी तुम्हारे करतूत काले हैं और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है, इसी तरह ये दाल भी काली है। यहाँ से पैसे सारे चोरी करके, सिंध की आवाम के पैसे चोरी करके, पहले सिंध हाउस में ज़मीन खरीदे और अब लाहौर बैठा है ज़मीनों के और ज़मीनों के सौदे कर रहा है। इस मुल्क में अगर कोई कोविड से भी बड़ी बीमारी है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। और आसिफ जरदारी तुम जो मर्जी कर लो, ये जो आवाम है सिंध की, ये अब तुम्हारा पीछा करेगी, तुम बच नहीं सकते। खान साहब आज रात को 9 बजे कौम से खिताब कर रहे हैं। इंसाफ सिंध के सदर इस वक्त अली जैदी वो गुफ्तगू कर रहे हैं बल्दियाती और जिमनी इंतखाबात के मुलतवी होने पर। कराची में पीटीआई के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज, खिलाड़ी दफ्तर के बाहर बैठ गए, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगा दिए।